दोस्तों, गॉड मदर मूवी में एक मदरलैंड नाम की जगह दिखाई गई है जिसमें बहुत सारी परियां रहती है। इस मूवी की स्टोरी है एक एलेनोर नाम की लड़की की, जो कि परी गॉड मदर बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो ग्रेजुएट होए असली फेरी मदर बनने के लिए, ताकि महान लोगों में उसका नाम भी जुड़ सके। ये है मोहिरा, यहाँ की प्रिंसिपल। उसने एक गॉड मदर के ऊपर किताब लिखी थी। वो बस सदियों पुराने फॉर्मूले ही जादू के लिए यूज करती थी, जिस कारण सभी उससे परेशान थे। वो अपने तीसरे फॉर्मूले के बारे में बताती है। एलेनोर को छोड़कर सभी कहते हैं ये फॉर्मूला अब काम नहीं करता है। अगर ये काम करता तो यहाँ सब गड़बड़ क्यों हो रहा है? वैसे भी लोगों ने इस पर विश्वास करना बंद कर दिया है। केवल एलेनोर को छोड़कर वो कभी परी गॉड मदर नहीं बन सकती, क्योंकि अब काम नहीं है हमारे पास। आखिरी बार हम में से कब कोई काम पर गया था? जब कोई काम ही नहीं है तो गॉड मदर किस काम की? तब एलेनोर को पता चलता है कि जब तक वो कोई असाइनमेंट पूरा नहीं करती, तब तक वो गॉड मदर नहीं बन सकती। तभी वो एक असाइनमेंट ढूंढने निकल जाती है, जहाँ उसे एक मैकेंजी नाम की बच्ची का लेटर मिलता है, जिसमें वो गॉड मदर से हेल्प मांगती है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। वो अपना सारा सामान पैक कर जाने की तैयारी कर रही होती है। उसे एग्नेस देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो बताती है कि मैं किसी की हेल्प करने जा रही हूँ, मुझे एक असाइनमेंट मिला है। वो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुम गई तो मोहिरा गुस्सा होगी, वो तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लेगी। पर वो बिना किसी की परवाह किए चली जाती है, जिसमें उसकी एग्नेस भी हेल्प करती है। वो अपने जादू की हेल्प से धरती पर पहुँच जाती है। वो वहाँ पहुँच कर कद्दू का एक फार्म बनाने के चक्कर में सारे कद्दू फोड़ देती है। तभी एक लेडी से वो मैकेंजी के घर का रास्ता पूछती है। वो उसे लिफ्ट दे देती है। मैकेंजी के पास पहुँच कर उसे पता चलता है कि अब वो बड़ी हो चुकी है और उसके दो बच्चे भी हैं। वो लेटर बहुत पुराना होता है। वो मैकेंजी को जाकर बताती है कि वो एक गॉड मदर है, पर उसका ट्रस्ट नहीं करती। वो उसे वहाँ से जाने को कहती है और खुद काम पर चली जाती है। तभी कुछ देर बाद जब मैकेंजी घर जा रही होती है तो एलेनोर उसके पीछे आ जाती है। मैकेंजी डर जाती है। एलेनोर उससे कहती है कि मैं एक फेरी गॉड मदर हूँ, पर मैकेंजी ट्रस्ट नहीं करती। वो उसे जादू कर दिखाती है। वो गड़बड़ कर मैकेंजी का कोड बड़ा कर देती है। मैकेंजी गुस्से हो उसे अपनी कार में बिठा ले जाती है और उसे कुछ पैसे देकर जाने को कहती है, पर वो पैसों को खा जाती है। मैकेंजी गुस्से हो उसे जाने को कहती है। एलेनोर कहती है कि पर तुम्हारी विश का क्या, जो तुमने मांगी थी? मैकेंजी कहती है, कौन सी विश की बात कर रही हो? वो उसे लेटर दिखाती है जो उसने बचपन में भेजा था। तभी उसे याद आता है। वो उसे एक रात के लिए अपने घर में रहने की अनुमति दे देती है। वो उसे बेसमेंट में रहने को कहती है। मैकेंजी अपने घर जाकर अपने बच्चों से उनका हालचाल पूछती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी छोटी लड़की फेल हो गई है। दूसरी तरफ एलेनोर मैकेंजी और उसके हस्बैंड की फोटो देखती है। वो उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। मैकेंजी कहती है कि वो हमें छोड़कर भाग गया और वो दुखी हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करने आई हूँ, बताओ तुम। मैकेंजी कहती है कि काश मेरा घर सुंदर हो जाए और मेरी आईब्रो फिर पहले जैसी हो जाए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन सुबह उठती है तो वैसा ही होता है। उसका घर सुंदर और आईब्रो काफी भर जाती है, जिसे देख के वो डर जाती है। और उसका कुत्ता एक सुअर में बदल जाता है, जो बहुत फनी होता है। तभी वहाँ पर उसके बच्चे और मदर के बारे में पता चलता है। मैकेंजी सबको उस मदर गॉड के बारे में किसी से बात करने से मना कर देती है। और उसके बच्चे कहते हैं कि प्लीज इन्हें एक दिन के लिए और रहने दीजिए। वो कहती है कि एक शर्त पर, अगर ये मेरी आईब्रो ठीक कर दे तो। वो उसकी आईब्रो ठीक कर देती है और वो उसको अपने साथ ऑफिस में ले जाती है, सभी से उसको मिलाती है। एलेनोर बार बार मैकेंजी को तंग करती है। मैकेंजी कहती, जाकर तुम सी फूड ट्राई करो, कैसा है? वो बहुत सारा सी फूड खा लेती है और बीमार हो जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। तभी मैकेंजी का फ्रेंड प्रिंस आकर उसे इंजेक्शन लगा देता है। उसे दर्द होता है। वो गलती से अपनी छड़ी घुमा देती है। वहाँ पर आसमान में पटाखे चल पड़ते हैं। ये खबर न्यूज में आ जाती है। मैकेंजी फिर उससे गुस्सा हो जाती है और उसे जाने को कहती है। पर उसके बच्चे और फ्रेंड बहुत खुश होती है कि वो न्यूज में आई और एलेनोर को अप्रिशिएट करते हैं। एलेनोर अपने रूम में होती है। तभी वहाँ एग्रेस आती है। वो कहती है कि मोहिरा को पता चल गया है कि तुम गई हुई हो। अगर उसे यह पता चल गया कि तुम एक असाइनमेंट पूरा करने गई हो तो बवाल हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ,
तुम्हारे पास पर 4 दिन का समय है, यह कहकर वो चली जाती है। तभी एलिनोर को आइडिया आता है मैकेंजी को खुश करने का। वो कहती है तुम मेकअप करो और बाहर घूमो, फिर गाने गाओ। मैकेंजी कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही कभी करूंगी। मैकेंजी एलिनोर को बच्चों का ध्यान रखने को कहती है। वो यह कहकर बाहर सामान लेने चली जाती है और वो बाहर जाकर एलिनोर की बातों पर गौर करती है और पार्लर में जाकर मेकअप वगैरह करती है। दूसरी तरफ एलिनोर बच्चों का ध्यान रखती है। तभी उसे पता चलता है कि मैकेंजी की बड़ी बेटी सिंगर बनना चाहती है। वो सबके सामने गाना गाने से डरती है। वो उसे बाहर ले जाती है और उसे गाना गवाती है। उसका डर खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पे मैकेंजी आ जाती है। वो लोग मैकेंजी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि मैकेंजी आज रेडी कैसे हुई। सभी बहुत खुश होते हैं और फिर क्रिसमस की तैयारी करते हैं, जहाँ एलिनोर फिर से गड़बड़ कर देती है। वो पूरे शहर की लाइट भगा देती है। नेक्स्ट डे मैकेंजी खुश होती है। वो एलिनोर को अपने साथ काम पर ले जाती है, जहाँ वो फिर से गड़बड़ कर देती है। वो बर्फ से फिसल जाती है, जिस कारण मैकेंजी मीडिया में वायरल हो जाती है। मैकेंजी बहुत खुश होती है। वो लोग जश्न मनाने जाते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि मोइरा एग्लेस से कहती है कि आधी रात को दरवाजा बंद हो जाएगा, अगर एलिनोर नहीं आई तो उसकी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएगी, वो यहाँ नहीं आ पाएगी। वो ये सब एलिनोर को बताती है। एलिनोर को ये सब पता चलने के बाद वो मैकेंजी को उसके प्यार से मिलाने में लग जाती है और वो उस पर जादू कर देती है, जिस कारण उसे ड्रिंक का नशा हो जाता है। वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देती है, जिस कारण मैकेंजी गुस्से होकर उसे जाने के लिए कहती है। तभी वो वहाँ से अपना सामान पैक कर जा रही होती है। मैकेंजी के बच्चे आके उसे रोक रहे होते हैं, पर एलिनोर कहती है मैं कभी परी गॉड मदर नहीं बन सकती और सब बस कहानियां है। वो ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी नेक्स्ट डे सुबह मैकेंजी प्रिंस से माफी मांगती है। आगे देखते हैं कि उसका बॉस कहता है कि तुम अपने साथ उस जादुई लड़की को लेके आओ, जिससे हम सब फेमस हो सके, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। प्रिंस और मैकेंजी गुस्सा होकर जॉब छोड़ देते हैं। मैकेंजी के बच्चे और उसकी फ्रेंड एलिनोर को रोकने जाते हैं और उससे अपने सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए हेल्प मांगते हैं और वो थोड़े समय के लिए रुक जाती है। तभी मैकेंजी आकर उससे माफी मांगती है और उसे थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरे परिवार से मुझे मिलाया, मैं तो कमाने और अपनी प्रॉब्लम्स के चलते इन सबको भूल गई थी। एलिनोर बहुत खुश होती है कि उसने किसी की हेल्प। तभी एलिनोर एक तरबूज का घोड़ा बनाकर मैकेंजी की बड़ी लड़की को उसे कॉम्पिटिशन में पहुंचा देती है, जहाँ तभी मैकेंजी की लड़की नर्वस हो जाती है। तभी उसका साथ मैकेंजी देती है और वो गाना गा पाती है। तभी वहाँ पर मोइरा आ जाती है और एलिनोर को खूब डांटती है, पर वो उसे ले जाने लगती है। तभी वो अपना जादू मोइरा को दिखाती है और कहती है कि वो एक फेरी गॉड मदर है, उसने मैकेंजी की हेल्प की। पर मोइरा कहती है कि ये कोई मदद नहीं हुई, ना ही ये कोई मैकेंजी का असाइनमेंट था, क्योंकि तुम्हें तो मैकेंजी का असाइनमेंट मिला था ना, जिसमें तुम फेल हो गई। वो ऐसा कहकर उससे उसकी जादुई छड़ी छीनने लगती है। तभी मैकेंजी आकर छड़ी एलिनोर को वापस कर देती है और कहती है कि इसने मेरी भी हेल्प की है, जरूरी नहीं कि प्यार बस प्रिंस वाला हो, इसने मेरे बच्चों का प्यार मुझे दिलाया है, मैं 4 सालों से जीने की आस छोड़ दी थी। पर मोइरा कहती है ये कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं हुआ। तभी एलिनोर पूछती है कि किस फॉर्मूले में लिखा है कि अपने परिवार के प्यार से मिलाना नहीं होता। इस पर मोइरा सोच में पड़ जाती है। सभी वहाँ एलिनोर के सपोर्ट में होते हैं। इतने सारे लोगों का प्यार देख मोइरा बहुत खुश होती है और उसे एक फेरी गॉड मदर स्वीकार कर लेती है। मैकेंजी एलिनोर को थैंक्स कहती है। मोइरा वहाँ सभी परियों को बचाने के लिए